भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी के बारे में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा विवादित टिप्पणी करने का मामला धार्मिक गलियारे में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में प्रेमानंद महाराज ने पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं अब देवघर के पंडित पुरोहित भी इस मामले में कूद पड़े हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर निवासी कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान राधा रानी को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसका विरोध वृंदावन के प्रेमानंद महाराज ने किया। सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि पहली बार वो किसी कथावाचक पर इतना नाराज नजर आए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं अब इस धार्मिक विवाद में देवघर के तीर्थ पुरोहित और ज्योतिषी भी अपनी राय दे रहे हैं। देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर के प्रसिद्ध तीर्थ पुरोहित प्रमोद श्रृंगारी ने कहा, हमें जिस जिस पुराणों की जानकारी है उनके अनुसार राधा रानी बरसाने की ही रहने वाली थी। राधा ही कृष्ण का प्रेम स्वरूप मानी जाती है, उनके विवाह का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। मेरे अनुसार राधा लोक सबसे ऊपर है, ईश्वर के समस्त प्रेम का स्वरूप ही राधा है। वहीं तीर्थ पुरोहित जयदेव मिश्रा का कहना है कि जब से हमने जन्म लिया सिर्फ कृष्ण के संग ही राधा का नाम सुना है। राधा बरसाना में भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थी। प्रेम शब्द की उत्पत्ति ही राधा के नाम से हुई है, हम लोग राधा कृष्ण के नाम का जाप ही करते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुरदल ने भी प्रेमानंद महाराज जी की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि राधा रानी के विवाह का उल्लेख किसी भी पुराण में नहीं है। राधा कृष्ण दो रूप हैं ही नहीं बल्कि एक ही स्वरूप है। इस स्वरूप को प्रेम का स्वरूप माना जाता है। किसी भी कथावाचक या संत का राधा रानी के ऊपर गलत टिप्पणी करना मान्य नहीं होगा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान कहा कि राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता की कचहरी थी, वहाँ पे वे साल में एक बार ही जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में राधा जी का नाम नहीं है, उनके पति में श्री कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद कुटिला थी। छात्रा गांव में राधा जी की शादी हुई थी।